सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के भी, हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे जब कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। तो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में लेके हाजिर हूँ बायोलॉजी डेली दंगल प्रैक्टिस सेट 12। तो आप 20 प्लस सही करने का दम रखते हो बच्चों? अगर इतना दम रखते हो तो आ जाओ भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। और आज की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना। पहली बात, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, साथ साथ सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, जो आंसर गलत हो जाए उसको डिलीट कर देना, ताकि आप लोगों को अपने सही क्वेश्चन सही स्कोर पता लगाने में दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके चैनल को और घंटी का बटन दबा देना। और अगर आपका दिल करे भी, हाँ कंटेंट अच्छा है, इसे हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो भाई कर देना, वो आपकी मर्जी है। किसी तरह की कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपका दिल करे भाई, हाँ जी सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। तो बच्चों इतने से काम करने हैं बस। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक छोटा सा काम और कर देना भाई, स्कोर अपना काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव चैट में मत लिखना यार, ठीक है? ताकि पता चले भी हाँ जी ये बच्चा इतने आंसर दे रहा है। और कल से हो सकता है मैं आप लोगों के कमेंट्स भी उठा के वीडियो में इंक्लूड करूँ, ठीक है बच्चों? तो आइए भाई अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिसीज, कि कौन सी बीमारी है पानी के कारण जन्म लेती है। ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया, सी कोलेरा एंड डी ऑल द एबो, ऊपर की जो सारी की सारी बीमारीज हैं वो। तो बच्चों फटाफट से राइट आंसर लाइव चैट में लिख दो भाई। तो साथियों उम्मीद यही रहती है कि सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे, ठीक है? कुछ सुधार है यार, आप लोग आंसर देते हो, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आप मेरी छोटी छोटी बात को मानते हो, बस इसी बात के कारण जो हमारी बाउंडेशन है, बॉन्डिंग है, वो थोड़ी सी स्ट्रांग है। तो प्यारे प्यारे बच्चों आंसर जरूर दिया करो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी कोलेरा, ठीक है? उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन सा डीएनए के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से, शाबाश। आसान से क्वेश्चंस हैं बट क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समझिए बच्चों और आंसर दीजिए फटाफट से। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है? और डीएनए है, डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड नहीं होती, ठीक है? डज नॉट हैव एमिनो एसिड, और इसके पास एमिनो एसिड भी नहीं होते। बट जो बातें हमें हैं पता होनी चाहिए कि डीएनए एक हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें न्यूक्लियो यानी नाइट्रोजीनियस जो बेस प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों? साइटोसिन, गवानीन और एडिनाइन और थाइमीन, ठीक है ना? ये चीज़ें वहाँ इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ मोनोसेकेराइड शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको डिओक्सी राइबोज कहते हैं, एंड फोस्फेट ग्रुप भी वहाँ प्रेजेंट होता है। तो इतनी बातों को ध्यान रख लेना भाई, इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल हैव ए डैश चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं, प्रकोष्ठक होते हैं? फटाफट से आंसर दे दो। आसान से क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा कई क्वेश्चन में मुश्किल हो जाता है। और VLDA के एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आते हैं बट स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते। जिन बच्चों ने स्टेटमेंट को समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, वो आंसर दे सकता है।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा 4 चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर होते हैं भी क्रोकोडाइल के हार्ट में? 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। और ह्यूमन के हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर ही किसके हार्ट में होते हैं? ह्यूमन के हार्ट में होते हैं। नेक्स्ट है द टू प्यूरिन्स इन डीएनए आर। डीएनए में तो प्यूरिन्स कौन कौन सी पाई जाती हैं भाई? दे दो फटाफट से आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। फटाफट से आंसर देते रहो बस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आप लोगों के लिए वो है आपका ऑप्शन डी, एडीनाइन एंड ग्वानिन। एडीनाइन और ग्वानिन क्या है? आपके नाइट्रोजीनियस बेस हैं, बट नाइट्रोजीनियस बेस से हटके ये प्यूरिन बेसिस भी हैं। कौन से बेसिस हैं? प्यूरिन्स बेसिस भी हैं, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो थाइमीन है और साइटोसिन है वो क्या होते हैं बच्चों? पाइरीमिडीन्स। क्या होते हैं? पाइरीमिडीन्स होते हैं, ठीक है। और साइटोसिन्स हैं तो ये क्या है? कीप रेल्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यानी जो थाइमीन और साइटोसिन से ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इकट्ठा बांधे रखते हैं, चेन बनाने में इनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस है उनको किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, द स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, स्पाइनल कॉर्ड। कि जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या है? न्यूरल पाथवे है, तो वो क्या करती है बच्चों? कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स को। और वर्टेब्रेटा में मोस्टली जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या है? डू नॉट पास डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। ब्रेन में डायरेक्टली पास नहीं होते, बट साइनेप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। परंतु साइनेप्स है जो स्पाइनल कॉर्ड में, वो क्या करते हैं भी इसका आंसर देते हैं। दिस अलाउज फॉर फास्टर रिफ्लेक्स एक्शन टू अकर बाय एक्टिवेटिंग स्पाइनल मोड। इसके कारण क्या है? स्पाइनल जो मोटर हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और रिफ्लेक्स एक्शन का जो रिप्लाई है वो क्या है? फास्ट मिल जाता है, ठीक है ना, विदाउट द डिले ऑफ रूटीनिंग सिग्नल थ्रू द ब्रेन। ब्रेन के थ्रू जल्दी जो सिग्नल जाते हैं उनके थ्रू, मतलब उनसे पहले स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन का क्या कर देती है? अलाउ कर देती है, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कर देती है? कंट्रोल करती है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जाइलम। इनमें से कौन सा जाइलम का पार्ट नहीं है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो आंसर रहेगा राइट वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सीव ट्यूब्स। कि सीव ट्यूब्स है वो जाइलम का हिस्सा नहीं है, वो किसका है? फ्लोएम का हिस्सा है। जाइलम फाइबर्स हो गए, वेसल्स हो गए, ट्रेकियाड्स हो गए, ये किसका हिस्सा है? जाइलम का हिस्सा है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द जीनोटाइप ऑफ ए प्लांट इज TTRR द फिनोटाइप वुड बी। इसने कहा कि अगर किसी प्लांट के जो करेक्टर्स हैं अगर वो TTRR हैं तो उनका फिनोटाइप कैसा होगा, यानी उनकी अपीरियंस कैसी होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? फटाफट से आंसर दे दोगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका TT किसको दिखाता है? एक प्लांट के बोनेपन को दिखाता है। स्मॉल टी किसको दिखाते हैं? जब स्मॉल टी दोनों आ जाए तो वो एक प्लांट के ड्वार्फनेस को दिखाते हैं कि प्लांट क्या है? बोना है। उसके बाद जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो किसको दिखाते हैं बच्चों? तो वो दिखाएंगे आपका राउंड को। किसको दिखाएंगे? राउंड शेप को, उनकी राउंड शेप को दिखाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ड्वार्फ एंड राउंड, ऑप्शन सी, ड्वार्फ एंड राउंड, ऑप्शन सी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रोसेस रिक्वायर्स नो एनर्जी फ्रॉम द सेल। सेल से किस प्रोसेस को एनर्जी की जरूरत नहीं होती? कि सेल में ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती? फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का वो आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंडर, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। और जो मूवमेंट होती है सॉल्यूट की फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नथिंग बट डिफ्यूजन। और ये कुछ ज़्यादा नहीं होता कि जब सॉल्यूट हायर रीजन से लोअर रीजन में जाते हैं तो उस टाइम सिर्फ क्या होता है, डिफ्यूजन होता है बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्रोटीन इज बीइंग असेंबल्ड व्हेन, एक प्रोटीन है भाई कब असेंबल होता है, फटाफट से आंसर दे दो। क्वेश्चन ऐसे अच्छे हैं बच्चों, बच्चों आपको आते भी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, आरएनए इज बीइंग ट्रांसलेटेड। आरएनए क्या हो जाता है, जब ट्रांसलेट हो जाता है उस टाइम प्रोटीन क्या हो जाएगा, असेंबल हो जाएगा। तो प्रोटीन असेंबल कब होगा, जब आरएनए ट्रांसफर होगा। तो ये प्रोसेस कब होगा, ये प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जब ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट डीएनए इज कन्वर्टेड टू एमआरएनए, कि जब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस हो जाता है यानी डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी हो जाती है एमआरएनए को उस टाइम, ठीक है। देन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन दिस एमआरएनए, इस एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटीन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स में। तो बच्चों याद रख लेना, सबसे पहले डीएनए, ठीक है, डीएनए किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए में। एमआरएनए से फिर क्या प्रोसीजर होगा बच्चों, प्रोटीन्स का जो असेंबल होने का, प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। विच अमोंग द फ्लोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, कि कौन सा ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड में जो वाटर का जो अमाउंट है प्लाज्मा में उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो भाई जी साथियों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एल्ब्यूमिन, कौन सा रहेगा, एल्ब्यूमिन, ऑप्शन ए। एल्ब्यूमिन क्या करता है बच्चों, वाटर का जो अमाउंट है प्लाज्मा में उसको रेगुलेट करता है। तो आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स है भाई वहां क्या घटना घटती है, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, केमिकल्स में। एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, एंड जो साइनेप्स होता है वो दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है बच्चों, गैप होता है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड, जीन्स की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स इकट्ठा उनको बोलेंगे तो क्या कहलाएंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एलएलए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अल्कोहल इफेक्ट्स, अल्कोहल कौन सी चीज को इफेक्ट करता है, आंसर दे दो भाई। बच्चों क्वेश्चंस आसान है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा रखी है, वो सभी क्वेश्चंस में नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में है। और VLDA का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना उसमें ऐसा ही होता है, क्वेश्चन आपको आता होगा बट स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा देगा कि आपके दिमाग से बात बाहर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है, एग्जाम में दिमाग पे कंट्रोल रखना बच्चों, ठीक है, गर्म मत होने देना। जब गर्म हो गया तो तब हमारे जो कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर हो जाती हैं, ठीक है, ठंडे दिमाग से काम करना है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, जजमेंट। क्या रहेगा, ऑप्शन ए जजमेंट। एल्कोहल इम्पेयर्स योर जजमेंट, जजमेंट इज इन योर ब्रेन, स्टूपिड एंड इट इम्पेयर्स योर ब्रेन। यानी सबसे पहले जो एल्कोहल का इफेक्ट होता है वो दिमाग पे होता है, आपके जो सोचने की शक्ति है उसको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आपके डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसको ये क्या कर देता है, डिसमिस कर देता है, ठीक है बच्चों। तो इसका राइट आंसर रहेगा जजमेंट। नेक्स्ट आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनमें से कौन सी जो सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दिया करो। और सभी बच्चे आंसर दिया करो यार, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड बच्चों, वेल डन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा सेल्स। क्या होगा? प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन ए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स ए जीनोम, एक जीनोम की जो डेफिनेशन है वो कौन देता है? फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द कंप्लीट सेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीन्स एंड अदर डीएनए सीक्वेंस। यानी जीन्स का पूरा सेट और जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। इन ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वेयर इज क्लोरोफिल लोकेटेड, कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ स्थित होता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े गजब के बच्चे हैं, फटाफट से आंसर देते हैं, पढ़ने भी नहीं देते कमेंट। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, इन द इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल लोकेटेड होता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। सुगर इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से सुगर किसका कंपोनेंट है भाई, किससे आपको सुगर मिलती है? फटाफट से आंसर दे दो, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप फूड खाते हो बच्चों तो उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम आपको क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है। ग्लूकोज एक तरह की क्या है? शुगर है बच्चों। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाइपर कैल्शीमिया कैन बी कॉज्ड बाय, हाइपर कैल्शीमिया बीमारी किसके कारण होती है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका रहेगा ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट, बोथ ए एंड बी, मैलिग्नेंसी एंड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो बच्चों जो हाइपर कैल्शीमिया है वो होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। और टू मच कैल्शियम इन योर ब्लड कैन वीकन योर बोन्स, क्रिएट किडनी स्टोन्स एंड इंटरफेयर विद हाउ यू हर्ट योर हार्ट एंड ब्रेक वर्क। तो हाइपर कैल्शीमिया इज यूजुअली ए रिजल्ट ऑफ ओवर एक्टिंग पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो बच्चों आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों राइट आंसर इसका सी होगा। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हॉर्मोन, इनमें से कौन सा एक प्लांट हॉर्मोन है? फटाफट से आंसर दे दो भाई, वेरी गुड, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक प्लांट हॉर्मोन है जो सेल डिवीजन में और ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, स्टेम और बर्ड्स में क्या करता है? हेल्प करता है। तो आइए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलोनम ट्यूबरसोम, ट्यूब्रोसोम। व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम सोलोनम ट्यूब्रोसोम, फटाफट से आंसर दे दो। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पोटैटो। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑर्गेन स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स, कि कौन सा ऑर्गेन फैट सोल्यूबल विटामिन्स को स्टोर करता है? फटाफट से आंसर दे दो, बिल्कुल जबरदस्त हैं बच्चे, बिल्कुल अच्छी तैयारी कर रखी है अभी आप लोगों ने, जो हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। घबराइए मत, आंसर देते जाइए, प्रैक्टिस होगी और उससे आप लोगों का जो ज्ञान का भंडार है वो और बढ़ेगा बच्चों। तो नॉलेज चाहिए तो आंसर जरूर दो भाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, लीवर। क्या रहेगा? लीवर।
अब आइए भी नेक्स्ट पे, हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी एंड सजेस्टेड दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो सेल थ्योरी है उसको आगे किसने बढ़ाया और किसने ये सुझाव दिया कि जो सेल्स हैं सेल्स किसे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होगी, ये बात किस बंदे ने कही थी? फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से, शाबाश। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन डी क्या रहेगा, रुडोल्फ विर्चो, क्या रहेगा, रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, द इफेक्ट्स ऑफ एनी ड्रग डिपेंड ऑन, कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए द अमाउंट टेकन एट वन टाइम, द सर्कमस्टांसिस अंडर विच द ड्रग इज टेकन एंड सच एज द सिमल्टेनियस यूज ऑफ एल्कोहल और अदर ड्रग्स, हाउ द ड्रग इज कंज्यूम्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ड्रग को कितने अमाउंट में लिया उस पर भी डिपेंड करेगी, किस कंडीशन में लिया गया उस पर भी डिपेंड करेगी और कैसे उसको लिया गया उस पर भी डिपेंड करेगी। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए भी क्वेश्चन नंबर 24, विच टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कौन सा टिश्यू है प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, फटाफट से आंसर दे दो। तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्क्लेरन चाइमा, स्क्लेरन चाइमा। अब आइए जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो लास्ट क्वेश्चन है वेयर आर द टेस्ट रिसेप्टर्स लोकेटेड, कि टेस्ट रिसेप्टर्स बच्चों कहाँ लोकेटेड होते हैं, फटाफट से आंसर दे दो। कुछ बच्चे हैं अभी बड़ा गजब का जवाब देते हैं, ठीक है, जैसे दीपांशु हो गया, रजत हो गया, विनोद हो गया, मनीषा हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ संजय हो गया। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं भाई जो बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग से जवाब देते हैं, तो इन बच्चों के मैं कहूँगा कि बच्चों ऐसे ही जवाब देते रहो, आप लोगों को एडमिशन ज़रूर होगा। और अगर कोई मेरा साथी रह गया हो जिसका मैंने नाम नहीं लिया तो प्लीज़ बुरा मत मानना यार, ठीक है, आप भी इन बच्चों के साथ इंक्लूडेड हो, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कई बार नाम जो माइंड से निकल जाए, डोंट वरी यार, ठीक है, टेंशन ना लेना। नेक्स्ट क्लास में अगर किसी का नाम रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर ले लूँगा। और बच्चों वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि कल से जो आपके कमेंट्स हैं वो भी मैं वीडियो में शामिल करूँगा। तो साथियों इतना ज़रूर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और मन करे भाई हाँ जी कि डाटा अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके साथ साथ घंटी के बटन को भी दबा देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दीज, यानी जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो एपिग्लोटिस भी हैं, अपर इसोफेगस भी हैं और टिप ऑफ द टंग भी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आइए अब जानिए भाई जो फाइव बेसिक टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका सोल्टी, स्वीट, बिटर, शोर एंड उमामी। तो जो उमामी टेस्ट होता है पोटैटो का होता है भाई, ये हमारी जो जीभ है, जीभ का बैकवर्ड वाला जो हिस्सा है वो देता है। उसके साथ जो नेक्स्ट आपका है लेमन वाला, जो थोड़ा सा मतलब शोर होता है, खट्टा होता है, तो खट्टा टेस्ट हमें क्या देता है बच्चों, जीभ के अंदर जो मिलता है वो मिलता है यहाँ से, इन हिस्सों से, ठीक है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट है आपका स्वीट, मीठापन, मीठापन जीभ के आगे वाला हिस्सा बताता है, ठीक है। और बिटर टेस्ट है जो कड़वा है वो जीभ का पीछे वाला मिड वाला हिस्सा दिखाता है, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ अब जो रह गया सोल्टी, सोल्टी जो हिस्सा है जीभ का ये वाला हिस्सा पोर्शन बताता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हुई भाई, और जिन बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है कर ले भाई, उसके फ़ायदे आप लोग लिखे हुए पढ़ सकते हो, इस तरह से आपको हम टेलीग्राम के थ्रू बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक मैथ की हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है हमें टेलीग्राम ग्रुप में, तो जिन बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है वो सबसे पहले हमारी 5-7 बीच में से अच्छी अच्छी जो वीडियोज लग रही है आपको, सारी वीडियोज ही देख लो, चाहे मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोज अच्छी लगती है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है भाई,
उसको ज्वाइन कर लेना। और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है VLDA कैंपस, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो नीचे फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। फाइल्स के ऑप्शन में जाके आपको PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। वैसी वैसी फाइल्स हम हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको देख लेना भी, डेमो को, ठीक है। और उसके बाद हमारे टीम टेक्निकल टीम मेंबर है, उनको SMS कर देना, ठीक है, जो ग्रुप के एडमिन्स हैं, तो उनको SMS कर देना भी, वो आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।